बिहार में भाजपा आंतरिक कलह से जूझ रही है। एक ओर जहां बोचहां में हुए चुनाव के बाद लगातार ये चर्चा है कि भाजपा के अंदर जो आंतरिक कलह है वो कब खत्म होगा, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और जब भी अमित शाह जैसे बड़े नेताओं का बिहार भाजपा कार्यक्रम कराती है तो विवादों से घिर जाती है। एक बार फिर से अमित शाह का कार्यक्रम हुआ और सामाजिक स्तर पर कई समाज ने इस कार्यक्रम को लेकर टिप्पणी की, लेकिन अब बिहार में भाजपा से एक और समाज छिटकता जा रहा है। हम बात बिहार में ब्राह्मण समाज की करेंगे। मैथिली ब्राह्मण को लेकर जो बिहार में बवाल मचा है, नीतीश मिश्रा के साथ जिस तरीके से हरकत की गई है, खबर तो ये भी है कि नित्यानंद राय ने गर्मी उतारने तक की धमकी दे डाली थी उस बैठक में, जिस बैठक में नीतीश मिश्रा शामिल थे, और उसके बाद ये विवाद काफ़ी आगे बढ़ा। अब राजद की तरफ से और राजद को लेकर ऋषि मिश्रा ने मोर्चा खोला है और उन्होंने साफ किया है कि ब्राह्मण और मैथिली ब्राह्मणों को अगर कोई पार्टी तवज्जो दे रही है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। उन्होंने साफ तौर पे अमित शाह के कार्यक्रम वाले दिन और उसके पहले नित्यानंद राय और भाजपा के बड़े नेताओं के बीच जो तीखी नोकझोंक हुई उसको लेकर बातचीत की है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है जिस तरीके से ब्राह्मणों को और मैथिली ब्राह्मणों को दरकिनार किया जा रहा है कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर ये सही नहीं है। इसके पहले अगर बोचहां चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है और इस हार के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मंथन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का आलाकमान भी इस मुद्दे को देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी मामलों को अगर जोड़ कर देखें तो नीतीश मिश्रा के साथ जो घटना हुई, खासतौर पर नित्यानंद राय ने जो बयानबाजी की, उसका असर भाजपा में अब देखने को मिल सकता है। एक तरफ ऋषि मिश्रा ने तमाम चीज़ों को लिखा है और राष्ट्रीय जनता दल में तमाम लोगों का स्वागत किया है, वही नीतीश मिश्रा लगातार इस बात का दुख प्रकट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ उस बैठक में क्या हुआ। लेकिन आंतरिक जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें नीतीश मिश्रा को बेइज्जत किया गया है उस कार्यक्रम को लेकर और उस भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जो बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित देश के तमाम वो बड़े नेता बिहार में मौजूद थे जो उस कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित थे। ऐसे में एक बार फिर से भाजपा को बड़ा झटका बिहार में लग सकता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।